भारतीय शिशुओं को आहार में ज्यादा चीनी खिला रही है नेस्ले। स्विस शोध एजेंसी पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में दावा, भारत में बिकने वाले सैरलेक में ज्यादा चीनी लेकिन अमेरिका में बेचे जाने वाले में नहीं। कंपनी ने कहा कि 5 वर्षों में भारत के उत्पादों में 30% चीनी का उपयोग कम किया। पूर्व में मैगी को लेकर घिर चुकी नेस्ले एक बार फिर विवादों में आई है। इस बार कंपनी पर आरोप है कि वे भारत और दूसरे विकासशील देशों में जो डिब्बा बंद शिशु आहार सैरलेक बेचती है उसमें अतिरिक्त चीनी एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि कंपनी के अमेरिका एवं विकसित देशों में इन्हीं उत्पादों में चीनी की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक होती है और इनमें एडेड शुगर तो एकदम नहीं होती। यह बात स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ शोध एजेंसी पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है। नेस्ले इंडिया ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि भारत में अपने उत्पादों में उसने पिछले 5 वर्षों में 30% तक अतिरिक्त चीनी की मात्रा कम की है, लेकिन भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एजेंसी FSSAI ने कहा है कि वह इस पूरे प्रकरण की अपने स्तर पर जांच करवाएगी। नेस्ले इंडिया ने कहा है कि हम आप सभी को इस बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिशु आहार उत्पादों को तैयार करने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, आयरन जैसे तमाम पौष्टिक अवयवों को सुनिश्चित किया जाता है। हम अपनी उत्पादों की पौष्टिक गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करते हैं और न ही भविष्य में करेंगे। हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार वैश्विक शोध नेटवर्क की मदद लेते हैं। FSSAI के सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित एजेंसी की रिपोर्ट देखी है, इसका अध्ययन किया जाएगा और इसके आधार पर जांच की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इसकी जांच के लिए समिति का गठन भी किया जा सकता है तो उक्त सूत्रों का कहना है कि इसका फैसला रिपोर्ट की जांच करने के बाद किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया के विकासशील देशों में जो सैरलेक की बिक्री होती है उसमें काफी ज्यादा अतिरिक्त चीनी है। भारत से ज्यादा अतिरिक्त चीनी कंपनी फिलिपींस, थाईलैंड जैसे देशों में मिला रही है। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय शेयर बाजार में नेस्ले इंडिया के शेयरों की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। BSE में गुरुवार को उसका शेयर 2,539 रुपए, बुधवार को बंद होते समय कीमत 2,547.15 रुपए पर खुला और 2,462.75 रुपए तक गिरा।